अगर हमें किसी को कुछ पे करना है, कुछ ट्रांसफर करना है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनमें से एक ऑप्शन है चेक। चेक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट एक्सर पे कर सकते हैं। या फिर बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि किस तरीके चेक को भरना होता है, कैसे फिल करना होता है। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि चेक को हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे फिल करते हैं। साथ में कैंसिल चेक क्या होता है, कैंसिल चेक किस तरीके से बनाते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। चेक में जो इम्पोर्टेंट जो कुछ पार्ट्स है, ये आपका है पहला डेट कॉलम, जहाँ पे आपको डेट फिल करना है, और उस डेट से 3 महीने के लिए चेक वैलिड रहता है। दैट मीन्स उस डेट के अंदर 3 महीने तक पैसे का विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पे, जहाँ पे जिनके नाम से चेक बनेगा उनका नाम आएगा। अगर आप खुद के लिए लिख रहे हैं, अपने अकाउंट से कुछ अपना पैसा निकालना चाहते हैं, देन सेल्फ आएगा। अगर किसी के नाम से लिख रहे हैं जिनको पेमेंट करना है, उनके नाम को यहाँ पे मेंशन करना है। रुपीज के अगेंस्ट में आपको रुपीज लिखना है, जितने अमाउंट आपको पे करना है उसको वर्ड में लिखना है। फिर यहाँ पे उस अमाउंट का ही फिगर में इसमें लिखना है। ये आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे ये आपका चेक नंबर है, ये आपका MICN नंबर होता है, ये आपका अकाउंट विद RBI है, और ये आपका ट्रांजेक्शन ID, और यहाँ पे आपको अपना साइन देना है, सिग्नेचर करना है। ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है चेक के। चेक है जो मैं सुदीप कुमार को पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेट मेंशन किया, इसमें मैंने सुदीप कुमार जिनको पे कर रहा हूँ 8000 अमाउंट में पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 8000 लिखा, और यहाँ पे नीचे मैंने साइन कर दिया, सब कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल को फिल किया। फिर भी ये जो चेक है ऐसा तो सही है, लेकिन जो मैंने फॉर्मेट में लिखा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, नाम के पहले मैंने स्पेस छोड़ दिया है, नाम के बाद भी बहुत सारे स्पेस है। रुपीज के आगे देखिए वहाँ पे भी 8000 लिखा, 8000 में आपका 8 के पहले स्पेस है, 1000 के बाद भी स्पेस है। सिमिलरली अगर आप उसमें देखेंगे फिगर में, तो 8000 के आगे और पीछे भी स्पेस है। तो ये सब आपका रॉन्ग फॉर्मेट है, क्योंकि इसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। इन सब खाली जगहों में कोई भी कुछ ऐड करके उसका मिसयूज किया जा सकता है। जैसा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुदीप कुमार है, इसके पीछे गुप्ता लगा दिया, तो मैंने चेक दिया था सुदीप कुमार को, लेकिन अब ये यूटिलाइज कर रहा है सुदीप कुमार गुप्ता। सिमिलरली मैंने ये पे 8000 लिखा था, तो 8 के आगे 90 लगा दिया है, तो अभी ये पे 98000 हो गया, और फिगर में भी 8 के आगे 9 लगा दिया, 98000 हो गया। तो नाम भी दूसरे पर्सन का बन गया, और चेक जो 8000 का था ये अभी 98000 का हो गया है। इसलिए इस तरीके से कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम करेक्टली चेक को फिल कर सकते हैं। सो ऊपर मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया, जिस डेट को मैंने चेक लिखा, यहाँ पे देखिए पे के साथ मैंने नाम को लिखा सुदीप कुमार, तो यहाँ पे सुदीप कुमार को मैं पे कर रहा हूँ, तो पे के साथ मैंने सुदीप कुमार लिखा, और इसके बाद मैंने एक लाइन खींच दिया है जो खाली स्पेस था, सो दैट बाद में कोई किसी यहाँ पे कुछ ऐड ना कर पाए। रुपीस में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 8000 ओनली लिखा, तो रुपीस के बाद ही मैंने 8 यहाँ पे स्टार्ट किया लिखना, और ओनली लगाया। ओनली का मतलब है 8000 ओनली, दैट मीन यहाँ पे फुल स्टॉप का काम कर रहा है ओनली। दैट मीन जब भी बैंकर के पास ये चेक जाएगा, वो देखेंगे 8000 यहाँ पे लिखा है ओनली, दैट मीन हमें 8000 ही पे करना है। साथ में मैंने लाइन इसको खींच दिया बाद में जितने भी स्पेस है, सो दैट इसमें मिसयूज ना कर पाए। और यह फिगर में भी देखिए मैंने 8000 मेंशन किया है, और इसमें लाइन मैंने एक बना दिया है, और यहाँ पे मैंने नीचे साइन कर दिया है। सो ये करेक्ट फॉर्मेट है जब भी हम चेक फिल करते हैं। फिर भी यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम इस तरीके से चेक देंगे और जिनको चेक दे रहे हैं, अगर उनसे ये चेक खो जाए तो इसका मिसयूज हो सकता है। दैट मीन किसी और पर्सन के हाथ में लग सकता है, और वो जाके उस चेक को यूज कर सकता है, पैसे को विड्रॉ कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम और एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर आपका 2 लाइन बना है, इसका मतलब है अकाउंट पे। दैट मीन आप जिसको भी चेक दे रहे हो, अब वो जाके बैंक में जाके इस चेक से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, उनको बैंक के थ्रू इस चेक को सबमिट करना होगा, और जो भी अमाउंट हम उनको पे कर रहे हैं वो अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो 2 लाइन खींचना और उसके बीच अकाउंट पे लिखना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। हम 2 लाइन खींच सकते हो या उसके बीच ऐसी पे लिख सकते हो, और इस तरीके से हम जिनको ये चेक दे रहे वो इसको अपने बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं अमाउंट को, और दूसरा कोई इसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। ये जानते हैं कैंसिल चेक के बारे में। कैंसिल चेक हम कैंसिल लिखते और इसके नीचे एक लाइन बना देते, नहीं तो 2 लाइन के बीच भी हम कैंसिल लिखते और इसका मतलब ही कैंसिल चेक है। तो इस तरीके से आप 2 लाइन के बीच कैंसिल लिख सकते हैं, या कैंसिल लिख के नीचे एक लाइन बना सकते हैं, ये आपका कैंसिल चेक हो गया। कैंसिल चेक
मांगा जाता है कभी कभी, जैसे आपका कुछ अकाउंट का डिटेल वेरीफाई करने के लिए, जैसे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब वेरीफाई करने के लिए कभी कैंसिल चेक की मांग की जाती है। मान लीजिए कोई आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, उसमें वेरीफाई करने के लिए आपने सही अकाउंट नंबर दिया है कि नहीं है, उसके लिए कैंसिल चेक का यूटिलाइज किया जाता है। साथ में जब भी आप कैंसिल चेक देंगे, इसमें आपको कोई सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, इसलिए आप सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैंसिल लिख के आप दे दीजिए। इस तरीके का एक फॉर्म आपके चेकबुक में रहता है, जहाँ पे आप कुछ डिटेल फिल कर सकते हो। डेट कॉलम में आप डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट से आपने जो चेक बनाया। चेक नंबर का मतलब है जो चेक आपने दिया उसके नीचे एक चेक नंबर होता है, उस चेक नंबर का भी मेंशन करेंगे। चेक इशू टू का मतलब है जिनके नाम से चेक बनाया उनका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, और अमाउंट ऑफ चेक का मतलब है जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगा। इसका एक बड़ा एडवांटेज या फायदा हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कभी कोई चेक आप कैंसिल करना चाहते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन होगा आपको कौन सा चेक कैंसिल करना है, डायरेक्ट आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उस चेक को कैंसिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि हम चेक को किस तरीके से फिल करते हैं, साथ में कैंसिल चेक को भी किस तरीके से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इसके कारण भी आपने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को जो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।